चौंका देने वाला यह मामला पेरू के एक मछुआरे का है। अलेजांद्रो रेमोस मार्टिनेज नाम का यह मछुआरा ने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गोता लगाया था। रेमोस जब बाहर निकले तो उनकी बॉडी में अजीबोगरीब हलचल सी होने लगी। इसके बाद कुछ ही देर में बॉडी फूलने लगी और देखते ही देखते उनका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया। पिस्को सिटी में बीच पर सी फूड बेचने वाले रेमोस ने डॉक्टर्स को बताया कि वे समुद्र में अक्सर गोता लगाकर मछलियां पकड़ते हैं। हमेशा की तरह हाल ही में उन्होंने समुद्र में गोता लगाया था। जब वे बाहर निकले तो बॉडी में तेज दर्द होने लगा। इसके बाद चेस्ट मसल और पेट का फूलना शुरू हो गया। तेज दर्द के चलते वे चल भी नहीं पा रहे थे। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। रेमोस की इस परेशानी को डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए। हालांकि डॉक्टर्स ने यह पता लगा लिया है कि रेमोस के शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा काफी बढ़ गई है। डॉक्टर्स ने संभावना व्यक्त की है कि समुद्र में गोता लगाते समय पानी के साथ नाइट्रोजन की काफी मात्रा उनके शरीर में चली गई हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। रेमोस इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑक्सीजन के द्वारा उनके बॉडी से नाइट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे कम की जा रही है। रेमोस के शरीर से अब तक 30% नाइट्रोजन निकाली जा चुकी है। डॉक्टर्स रेमोस की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे उन्हें ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस का भी खतरा है।